गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं गणेश खड़से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वही क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलो शुरू करते हैं हमारी जर्नी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या है पहला क्वेश्चन? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द केस ऑफ सॉवरेन इंडिया? सॉवरेनिटी मतलब सार्वभौमत्व। इस शब्द का मतलब मीनिंग मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। सार्वभौमत्व वो शक्ति होती है, वो उस देश की शक्ति होती है जिस देश पर किसी भी तरीके का, किसी भी बाहरी देश का, किसी भी बाहरी ताकतों का कोई किसी तरीके से बंधन, रेस्ट्रिक्शंस, डिप्रेशन, दबाव नहीं है। ठीक है, हमारे भारत के बारे में सही गलत जो भी निर्णय है वो लेने का अंतिम अधिकार हमारे हाथ में, हम भारतीयों के हाथ में है। किसी विदेशी ताकत के दबाव में आप भारत के भले बुरे का डिसीजन लेता है क्या? नहीं। तो यही हमारी सार्वभौमत्व की शक्ति है। आइए देखते हैं कौन से स्टेटमेंट्स है। बट नॉट करेक्ट पूछा है तो जरा संभल के। इंडिया इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया था, देश हमारा किसी भी तरीके से किसी भी देश पर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये सॉवरेंटी का सही मतलब है। इंडिया इज नॉट अ कॉलोनी ऑफ एनी अदर कंट्री। 1947 से पहले भारत ब्रिटिश कॉलोनी था, बट आज है क्या? क्या किसी दूसरे देश का है? नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, हम सॉवरेंट है। तीसरा स्टेटमेंट, इंडिया कैन गिव एनी पार्ट ऑफ इस कंट्री टू एनी अदर कंट्री। जैसे मैंने कहा था, भारत के भले के या फिर बुरे के बारे में जो भी निर्णय है हमारे हाथ में है, जो भी निर्णय लेना है वो। ठीक है, तो भारत हमारा अपना देश का पार्ट किसी दूसरे देश को दे भी सकता है और किसी दूसरे देश से लड़ाई करके या फिर किसी भी तरीके से छीन भी सकता है, ले भी सकता है, पूरा अधिकार हमारे हाथ में। यह भी सॉवरेंटी की एक कंसेप्ट है। दिस स्टेटमेंट, इंडिया इज ऑब्लिग टू ओबे द यूएन इन इट्स इंटरनल अफेयर। भारत के अंतर्गत मामलों में निर्णय लेने के लिए भारत को यूएन की परमिशन लेनी पड़ती है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस। क्या यह सही है? भारत अब ऐसा देश है जिसके ऊपर भारत यूएन, यूनो मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य तो जरूर है, बट इंटरनल अफेयर्स या फिर एक्सटर्नल अफेयर्स में सही और गलत डिसीजन लेने के लिए यूएन का कोई डिप्रेशन नहीं है, भारत पे ऊपर कोई दबाव नहीं है, भारतीय खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं। बट यहां पर गलत कहा गया, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो आंसर रहेगा डी। आप अपनी नोटबुक अपने हाथ में रखिए, पेन अपने हाथ में रखिए, और जैसे भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है एक्सप्लेनेशन में पट से नोट डाउन करते जाइए। केएम मुंशी वॉज रिलेटेड टू, मैंने ड्राफ्टिंग कमेटी पढ़ाते समय आपको ये एक नाम बताया था, डॉक्टर बी आर अंबेडकर और केएम मुंशी, दोनों नाम बताए थे। केएम मुंशी ये किस कमेटी से रिलेटेड थे, ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो कौन सी कमेटी थी? कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमिटी, मसूदा समिति के सदस्य थे के एम मुंशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ सेक्युलर? धर्मनिरपेक्षता का सही मीनिंग क्या होता है? ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ गवर्नमेंट। सबको समान नजरिए से देखा जाता है, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। स्पेशल इंपॉर्टेंस टू रिलीजन रिलेटेड टू माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के साथ में उनको कुछ स्पेशल प्रायोरिटी दी जाती है क्या? ठीक है, कोई एक व्यक्ति माइनॉरिटी से बिलोंग करता है तो उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाना, और जो माइनॉरिटी से मेजॉरिटी से बिलोंग करता है उसको कम आंकना, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है क्या? नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, वन रिलीजन इज प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट। क्या किसी एक धर्म को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे गवर्नमेंट ने प्रमोट किया है, ज्यादा का महत्व दिया है क्या? नहीं दिया है। नॉन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट इज द ट्रू मीनिंग, सही मतलब क्या है सेक्युलर का? तो ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ गवर्नमेंट, स्टेटमेंट वन ए ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वेलिटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सोशल इक्वेलिटी मतलब सामाजिक समानता। ठीक है, अभी देखते हैं क्या है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल इक्वेलिटी? मतलब समाज में जितने भी वर्ग है, जितने भी क्लास है, जितनी भी कम्युनिटीज है, सबको एक नजरिए से देखना, ये सामाजिक इक्वालिटी है, सोशल इक्वालिटी है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज,
किसी एक क्लास को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, किसी दूसरे क्लास को कम अपॉर्चुनिटीज, ऐसा करते हैं क्या हम? नहीं। लैक ऑफ इक्वालिटी, ये भी नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज, ये हमारा सही मीनिंग है। तो क्वेश्चन 4 का आंसर रहेगा सी। ठीक है, सोशल इक्वालिटी का मतलब है इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज, मेजॉरिटी हो, माइनॉरिटी हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, ठीक है, उस आधार पर हम उसके साथ में भेदभाव नहीं करते। बट रिजर्वेशन, ये आपके जहन में एक शब्द आता होगा कि जिसके जरिए हम सोशल इक्वालिटी, इनइक्वालिटी बढ़ाते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों के ध्यान में आया होगा, क्लिक हुआ होगा कि हम रिजर्वेशन के जरिए इनइक्वालिटी तैयार कर रहे हैं। तो वो रिजर्वेशन जो है वो इनइक्वालिटी को बढ़ाने के लिए नहीं, ठीक है, इनइक्वालिटी को बढ़ाने के लिए नहीं, बट इनइक्वालिटी को समाप्त करने के लिए रिजर्वेशन लागू किया गया है। ठीक है, रिजर्वेशन इस कंसेप्ट को सही मात्रा में, सही ढंग से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन इनइक्वालिटी को पैदा करने के लिए नहीं है, सोशल इनइक्वालिटी को बढ़ाने के लिए नहीं है, तो सोशल इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए है, इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए रिजर्वेशन है। ठीक है, तो यहां पर स्टेटमेंट सी हमारा आंसर रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? तो रूल्स और लॉ, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था उसमें रूल्स भी है और लॉज भी है, इसीलिए स्टेटमेंट ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, ये हमारा आंसर रहेगा। व्हाट रेफर्स टू इंडिपेंडेंट पीपल इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेसी है हमारे भारत में, लोकशाही है, ठीक है, तो लोकशाही के इस गवर्नमेंट फॉर्म में इंडिपेंडेंट पीपल का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो ट्रैफिकिंग तो नहीं हो सकता, पॉलिटी भी नहीं हो सकता, आइडियल भी नहीं हो सकता, बट सही और गलत निर्णय जो भी है, जो आपको विवेक, आपकी विवेक बुद्धि को पसंद आता है, वो निर्णय लेने की आपकी स्वतंत्रता होती है, जिसको सॉवरेनिटी कहा है, और उसी को ही लोगों का अधिकार, ठीक है, उनकी स्वतंत्रता का अधिकार माना गया है कि आपके भले बुरे के बारे में आप खुद डिसीजन ले सकते हो। तो यहां पर इंडिपेंडेंट पीपल इस मतलब का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में यही मतलब है कि सॉवरेनिटी है, ठीक है, क्या है? सॉवरेनिटी, सार्वभौमत्व, यही मतलब है इंडिपेंडेंट पीपल का। तो ये हमारा, ये स्टेट, ये जो है ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, द प्लान टू ट्रांसफर पावर द इंडियंस एंड पार्टीशन ऑफ कंट्री वॉज लेड डाउन इन द, ठीक है, 1947 में जब ब्रिटिश भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंप कर गए, ठीक है, तो वहां पर एक प्लान बनाया गया था, एक एक्ट बनाया गया था, ठीक है, जिसके जरिए ब्रिटिशों ने भारतीयों के हाथ में सत्ता भी सौंप दी और भारत का दो देशों में विभाजन भी कर दिया, पार्टीशन। तो वो प्लान था द माउंटबेटन प्लान। क्या था? द माउंटबेटन प्लान मतलब भारत को किस दिन स्वतंत्रता देनी चाहिए और स्वतंत्रता के बाद का भारत कैसा रहेगा, ये प्लान इस माउंटबेटन नाम के, ठीक है, इस माउंटबेटन नाम के व्यक्ति ने बनाया था, इसीलिए द माउंटबेटन प्लान इसको कहा जाता है। ठीक है, आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज एडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, एडॉप्ट किया, कब एडॉप्ट किया उसको, कब एडॉप्ट किया? तो 26 नवंबर 1949, दो तारीख है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंपॉर्टेंट, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, ठीक है, इस तारीख को इसको एडॉप्ट किया है। ये तारीख आपके प्रीएम्बल में भी आती है, याद है तो आपको जरूर, अगर आपको याद है तो आपको ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तारीख को एक्सेप्ट किया है, बट उसको अमल में कब लाया है? 26 जनवरी 1950 से। तो यहां पर हमारा एडॉप्ट ऐसा पूछा गया है, तो आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेचर वॉज मेड बायकैमरल, सेंट्रल में राज्यसभा और लोकसभा और स्टेट में विधान परिषद और विधानसभा, ये दो सदनों की जो असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, इसको ही बाइकैमरल सिस्टम कहा गया है। लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेनेशन बताया था मैंने, ये बाइकैमरल सिस्टम भारत ने 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इससे उठाया था बाइकैमरल सिस्टम। तो यह आंसर रहेगा डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करंटली हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा कितनी स्टेट्स है, कितनी यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, बट कंफ्यूजन है यहां पर, दोनों पूछे हैं, ना सिर्फ स्टेट बल्कि यूनियन टेरिटरीज भी पूछी है।
तो हमने देखा है कि अभी जम्मू कश्मीर जो एक पहले स्टेट था, अभी उसको दो विभाजन उसके दो पार्ट किए गए हैं, एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। अभी वो दो राज्य बने क्या, एक राज्य से दो राज्यों की निर्मित हुई क्या? तो नहीं हुई है। एक राज्य को पूरी तरीके से नष्ट करके उसमें से दो यूनियन टेरिटरीज बनाई गई है। जम्मू कश्मीर बनने से पहले भारत में कितने स्टेट्स थे और कितनी यूनियन टेरिटरीज थी? जम्मू कश्मीर का विभाजन होने से पहले, जम्मू कश्मीर को दो पार्ट्स में डिवाइड करने से पहले भारत में 29 स्टेट्स थे और 7 यूनियन टेरिटरीज थी, ठीक है। अभी जब जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया तो एक राज्य कम हो गया, मतलब स्टेट्स रह गए 28 और जम्मू कश्मीर से दो यूनियन टेरिटरीज में एडिशन हो गई, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। इस तरीके से आज स्टेट्स रह गए 28 और यूनियन टेरिटरीज 7 से बढ़कर 9 हो गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इजी सवाल लगता है बट आंसर देने में बहुत दिक्कत होती है बेटा, ठीक है। तो यहां पर डी जो है ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्ट डिवाइड्स लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंस। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसमें से 200 से भी ज्यादा आर्टिकल जैसे के तैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉपी पेस्ट किए गए थे, ठीक है। 395 में से 200 से भी ज्यादा आर्टिकल्स इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाए गए थे, इसीलिए ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही वो एक्ट है जिस एक्ट में सेंट्रल अथॉरिटी के क्या अधिकार रहेंगे, स्टेट अथॉरिटी के क्या अधिकार रहेंगे, और कुछ ऐसे मामले थे जिन पर इन दोनों का, सेंट्रल और स्टेट का दोनों का अधिकार था। तो एक लिस्ट सेंट्रल लिस्ट, दूसरी प्रोविंशियल लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसी तीन अधिकारों की सूचियां बनाई गई है। आज भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सूचियां है, बट ये कहां से उठाई गई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इससे हमारी सेंट्रल अथॉरिटी और प्रोविंसेस मतलब स्टेट अथॉरिटी में अधिकारों का विभाजन किया गया था। तो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमारा आंसर रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, कब से? एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। 26 जनवरी 1950, ठीक है। अभी इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, 26 जनवरी ही क्यों। जब हमारा भारत, ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमल में लाया गया भारत में, उससे 20 साल पहले, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को भारत में सबसे पहला गणराज्य दिन, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था। मतलब रिपब्लिक कहने से उसको ज्यादा अच्छा रहेगा कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। अब बोलोगे सर इंडिपेंडेंस तो 1947 में मिला था, अभी इंडिपेंडेंस डे 1930 में कैसे सेलिब्रेट करेंगे? तो देखो इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है। ये ऐसा पीरियड था गांधी एज का जब लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना, देश को स्वतंत्रता देने की, स्वतंत्रता लाने की भावना बहुत ही जाग चुकी थी। लोग अभी शांत बैठने वालों में से नहीं रह गए थे, ठीक है। वो आंदोलन कर रहे, तरह तरह से ब्रिटिशों का प्रतिकार कर रहे थे, ठीक है। तो इसी के लिए मैंने जैसे कहा था, भारत में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कही गई थी, ठीक है। और भारत में उसी कानून के तहत हर 10 साल बाद एक कमिटी आना तय था कि भारत में क्या डेवलपमेंट्स हुई है और क्या डेवलपमेंट्स और होनी चाहिए, इसका अभ्यास करने के लिए हर 10 साल बाद एक कमिटी आएगी, ऐसा भी 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कहा गया था, ठीक है। तो इसीलिए साइमन कमीशन भारत में आया था, ठीक है। वो 1919 से 10 साल बाद, मतलब 1929 में आना तय था, बट वो 2 साल पहले ही आया 1927 में। भारत के डेवलपमेंट्स की रिपोर्ट तैयार करने के लिए साइमन कमीशन भारत में आया था। सर जॉन साइमन इस कमिटी के, 7 सदस्यों की इस कमिटी के अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, उन्हीं के नाम से इस कमिटी का नाम साइमन कमीशन पड़ा, ठीक है। अभी इसमें जो 7 मेंबर्स थे वो पूरे ब्रिटिशर्स थे, इसीलिए भारतीयों ने उसका विरोध किया, उनको साइमन गो बैक ऐसे काले झंडे दिखा दिए, चले गए बेचारे वापस। तो उस समय का जो वाइसरॉय था उसने क्या कहा कि भाई आप साइमन कमीशन को काम नहीं करने दे रहे, तो आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप करो। तो इसीलिए मोतीलाल नेहरू, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू बहुत ही बड़े रिस्पेक्टफुल पर्सन थे इंडियन फ्रीडम हिस्ट्री में, तो उन्होंने कमेटी तैयार की और एक रिपोर्ट बनवाया कि भारत में क्या डेवलपमेंट्स हुई है और क्या और डेवलपमेंट होनी चाहिए। उस रिपोर्ट को ही नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। 1928 में ये रिपोर्ट सबमिट हुई और
इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को अल्टीमेट दे दिया कि एक साल के भीतर इस नेहरू रिपोर्ट में जो भी चीजें आर्टिकल्स दिए गए प्रोविजंस दिए गए उसके ऊपर आपने काम करना चाहिए। बट एक साल होने के बाद नेहरू रिपोर्ट सबमिट होने के एक साल बाद भी उसके ऊपर कोई काम नहीं किया गया। ठीक है, तो ये काम न किए जाने की वजह से पंडित नेहरू जी ने लाहौर सेशन में 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था उस INC का सेशन के अध्यक्ष थे पंडित नेहरू, और उस सेशन में अध्यक्षीय भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा कि नेहरू रिपोर्ट की एक भी प्रोविजंस को ब्रिटिशों ने अमल में नहीं लाया, हमने जबकि एक साल की उनको अल्टीमेट तारीख दे दी थी उन्होंने उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, इसीलिए आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम भारत को खुद ही इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे। क्या कर देंगे? खुद ही इंडिपेंडेंट घोषित कर देंगे। और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पंडित नेहरू जी ने तिरंगा लहराया और पूरे भारत में पूरा भारत आज से स्वतंत्र है ऐसा डिक्लेयर कर दिया। हालांकि भारत को स्वतंत्रता तब भी नहीं मिली थी बट डिक्लेयर किया गया था। तो भारत का सबसे पहला इंडिपेंडेंस डे उस दिन मनाया गया था। ठीक है, तो उस दिन का महत्व ध्यान में रख के ही इस 26 जनवरी 1950 को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया। ठीक है, और आज हम उस दिन को किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं? गणराज्य दिन या फिर रिपब्लिक डे या फिर प्रजासत्ताक दिन। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। ठीक है, अभी ऐसे ही हम करेंगे, एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो साथ ही आपका दोनों तरीके से प्रिपरेशन अच्छा होगा। मैं जब भी आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, स्लाइड बता रहा हूँ या फिर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तब बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता हूँ, तो तारीख और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगती है आप नोट डाउन करते जाइए। ठीक है, आज का आपका होमवर्क ये रहेगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में 5 सेंटेंस आपको लिखने हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाले, कि जैसे उन्होंने कौन से न्यूज़पेपर शुरू किए, वो कौन सी कमिटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी से कौन सी डिग्री ली है। ठीक है, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन वाले, और उन्होंने कौन सी किताबें लिखी है ये भी आपको 4 या 5 सेंटेंस में लिखना है, बट इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंस लिखने। ऐसा मत लिखो कि उनका जन्म यहाँ पर हुआ था, उन्होंने बहुत तकलीफ का सामना किया, ऐसे जनरल सेंटेंस मत लिखो, इंफॉर्मेशन वाले सेंटेंस लिखो। ठीक है, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आप फोटो निकाल कर भी भेज सकते हो, मैं उसका मूल्यांकन करूंगा और रिमार्क भी दूंगा। और आज के लेक्चर के लिए मैं यहीं पर रुकता हूँ। थैंक यू।